नमस्कार, स्पेशल सेवन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। स्पेशल सेवन में आज फिर से हम भारत और चीन के मसले पर कुछ अहम जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आज आपको एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हम रूबरू कराएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि चीन ने जब पिछली बार अपना नक्शा दिया था तो उसमें भी गलवान घाटी को उसने भारत के हिस्से में ही दिखाया था, जिस गलवान घाटी में धीरे धीरे इंच दर इंच चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और यह दावा करता है कि वो इलाका उसका है। लेकिन हम आज आपको चाइना की तरफ से दिए हुए उस नक्शे से रूबरू कराएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि इस घाटी पर पूरी तरीके से भारत का आधिपत्य था और चीन भी इस बात को मानता है। उससे भी अहम बात कि बेशक स्थितियां जो भी हो, भारत की तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और भारत अब ब्रह्मास्त्र लेकर आ रहा है, जिससे चीन अब डर रहा है, थर्रा रहा है, कांप रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत सामरिक तौर पर भी और कूटनीतिक तौर पर भी चीन को घेरने में एक तरफ से जोर लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ से बातचीत के लिए भी आगे बढ़ रहा है। तो एक बेहतरीन पहल भारत की तरफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल सेवन की, और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज की कवर स्टोरी से। वक्त है कवर स्टोरी से आपको रूबरू कराने का। कवर स्टोरी में आज हम आपको बता दें कि हमने सात जो अहम पहलू आज आपके सामने हम रखने वाले हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मॉस्को में यानी कि रूस में हिंदुस्तानी सेना का दम देखने को मिला, इससे भारत और रूस के बीच के संबंध किस तरीके से हैं, इसकी एक छटा चीन में भी देखने को मिली होगी। इसके साथ साथ हम आज आपको बताने वाले हैं कि भारत के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र आने वाला है जिससे चीन भी परेशान हो उठा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर चीन, जिसकी नीति में ही जमीन को हड़पना है, नेपाल बेशक उसका साथ दे रहा था लेकिन ताजा खबर यह कहती है कि चीन ने नेपाल के भी कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे नेपाल की सरकार भी परेशान है और वो भी सोचने को मजबूर है कि असल दो। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिट एट फिंगर्स की बात सामने आती, ये एट फिंगर्स विवाद क्या है, जो भारत और चीन के बीच ये विवाद का मसला है, ये एट फिंगर्स विवाद क्या है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गलवान पर आखिर हक किसका है, चीन का वो मैप क्या कहता है, चीन का मैप, गलवान किसके पास, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ चीनी कंटेनर में वायरस की बात सामने आ रही है, यानी कि चीन ने भी अपना पैतरा बदल लिया है और वो अब हिंदुस्तान में अपने सामानों के जरिए वायरस को भेजने की फिराक में है। इन तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल सेवन की। रूस के विक्ट्री डे परेड में भारत की सेनाओं का जौहर देखने को मिला, कदम ताल करते हुए भारत की सेना वहां पर नजर आई। ये सिर्फ और सिर्फ कदम ताल नहीं है, इनसे दोनों देशों के रिश्ते कितने प्रागढ़ हैं, कितने मजबूत हैं, इसको समझना होगा। और यही समझाने की कोशिश हिंदुस्तान और रूस ने किया और जिसकी वजह से रूस एक के बाद एक हिंदुस्तान के सपोर्ट में सामने आ रहा है, जो चीन के लिए एक परेशानी वाली बात है, क्योंकि अगर हालात बदलते हैं, बिगड़ते हैं, तो रशिया किसके साथ खड़ा होगा ये अपने आप में अब जग जाहिर होता नजर आ रहा है। चीन के बीच जारी मौजूदा तनाव के बीच रूस के मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के मौके पर भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस के विक्ट्री परेड में शामिल हुए। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे को कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में रूस के साथ गहरे सैन्य संबंध रखने वाले चीन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। चीन के साथ रूस के सैन्य और राजनीतिक संबंध हैं, जबकि भारत और चीन के बीच वर्तमान में सीमा विवाद को लेकर तनाव पूरे चरम पर है। वहीं भारत और रूस एक दूसरे को अहम सहयोगी के तौर पर देखते हैं। ऐसे में कूटनीतिक रूप से रूस के विक्ट्री डे परेड में भारत का शामिल होना बेहद अहम है, जिसके बाद चीन का चिढ़ना लाजमी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत और चीन के बाद जब सैन्य झड़प देखने को मिली, उस झड़प के बाद से कूटनीतिक स्तर पर हिंदुस्तान ने चीन को घेरने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह निकला कि चाइना की तरफ से बातचीत का प्रपोजल आया, जिस पर कोर कमांडर्स की बातचीत भी हुई। और उस बातचीत का नतीजा यह निकला कि दोनों मुल्क एक बार फिर से तैयार हो गए हैं अपनी अपनी फौज को पीछे करने के लिए। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान लगातार अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश में है और इसी वजह से रूस और अमेरिका एक बेहद अहम भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान
जहां रूस से एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम लेने की तैयारी में है, तो अमेरिका से वो ऐसे तोप के गोले लेने की तैयारी में है जिससे दुश्मन को मार पाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, खासतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में। इन तमाम चीजों के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है वो बेहद अहम है। समझिए कि हिंदुस्तान अपनी ताकत को क्यों और किस वजह से बढ़ा रहा है। चीन के कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया त्रस्त है, वहीं पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन कब्जे वाली चाल चलने में लगा है। ऐसे में चीनी ड्रैगन अपनी हरकतों के चलते जल्द ही कब्रगाह में समाने वाला है, जिसके लिए भारत ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की जल्द ही डिलीवरी कर देगा। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने रूस से अपील की थी कि वो भारत को नए हथियार ना दे, लेकिन रूस ने चीन की अपील को दरकिनार कर दिया। भारत और रूस के बीच 2018 में दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। भारत ने इसकी 5 यूनिट्स खरीदने का करार किया है। आपको बता दें कि S-400 की डिलीवरी 2025 में होनी थी, लेकिन रूस अब इसकी डिलीवरी जल्द करने वाला है। आइए एक नजर डालते हैं S-14 डिफेंस सिस्टम की खासियत पर। S-14 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है S-400। परमाणु मिसाइल को नष्ट कर सकता है S-400। 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है ये। इसमें शक्तिशाली रडार लगा हुआ है। 600 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है S-400। S-400 सैनिकों की मदद भी रोक सकता है। इसके अलावा भारत रूस से 31 फाइटर जेट खरीदेगा। वहीं भारत ने T-19 टैंक की जरूरी कलपुर्जों को लेकर भी रूस से बात की है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने M777 होविट्जर तोपों के गोले खरीदने के लिए अमेरिका से भी संपर्क किया है। ये गोले इमरजेंसी फंड से खरीदे जाएंगे। आपको बता दें कि चीन के साथ जारी गतिरोध पर भारत की मोदी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। हालांकि विवादित क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच हुए बातचीत में अब दोनों देशों की सेना पीछे हटने और गतिरोध को खत्म करने पर सहमति जता रही है। इन सब के बाद भी भारतीय सेना का रुख आक्रामक है, क्योंकि चीन अपनी बात पर कब तक कायम रहेगा ये खुद चीन भी नहीं जानता। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कहते हैं नेचर एंड सिग्नेचर कांट बी चेंज। चीन की फितरत में ही धोखा है। नेपाल उसके इस पाश में, इस जाल में फंस तो जरूर रहा है, लेकिन नेपाल को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि चीन अब नेपाल की जमीन भी हथिया रहा है, जिससे नेपाल की पूर्व सरकार और साथ ही साथ मौजूदा सरकार दोनों पशुपेश की स्थिति में है कि आखिर नेपाल से डील कैसे किया जाए। नेपाल के पूर्व की जो सरकारें रही हैं वो अब लगातार ये कह रही हैं कि किसी भी तरीके से नेपाल को अब सख्त भाषा में समझाने की जरूरत है, लेकिन मौजूदा सरकार, जिस पर यह कहा जाता है कि वो कम्युनिस्ट प्रभावित भी हैं और चाइना का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी है, क्या वो ऐसा कर पाने का मादा रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन नेपाल को ये समझना होगा कि जिसकी चाहत उसे है, जिसे वो दोस्त समझ रहा है, वो दोस्त नहीं बल्कि बहुत बड़ा चालबाज है। देखिए इस रिपोर्ट को। लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अब अपने पिछलग्गू नेपाल की जमीन को हड़पना शुरू कर दिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है और 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बनाकर कब्जा कर लिया है। वहीं विपक्षी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेंद्र निधि ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है।
चीन ने हिमालय और नेपाली गांव रुई पर कब्जा कर लिया है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना होगा। नेपाली सरकार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी प्रशिक्षण दे रही है और उसे इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। दरअसल बताया जा रहा है कि चीनी सरकार तिब्बत में अपना रोड नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है। इससे कई नदियों और उपनदियों का रुख बदल गया है और वो नेपाल की तरफ बहने लगी है। नदियों के इस बहाव से नेपाल के कई जिलों की सीमा गायब हो गई है। अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही नेपाल का बड़ा भूभाग तिब्बत से जुड़ा नजर आने लगेगा। चीन की ये कब्जे वाली चाल नई नहीं है। चीन के शह पर भारत के खिलाफ विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाली सरकार ने इस मसले पर चुप्पी फिलहाल साध रखी है, लेकिन नेपाली पीएम ओपी ओली को यह भी एहसास होने लगा है कि चीनी ड्रैगन अब काटने लगा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच विवाद के कई मसले हैं। इन्हीं मसलों में से एक है एट फिंगर्स विवाद। इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बतौर हिंदुस्तानी आपको यह जानना चाहिए कि इन दोनों मुल्कों के बीच में ये एट फिंगर्स विवाद आखिर है क्या। ये एट फिंगर्स क्या है जिसको लेकर के दोनों ही मुल्कों के बीच खींचतान लगातार जारी रहती है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच विवाद कई हैं, उनमें से एक है एट फिंगर्स विवाद। आइए जरा समझाते हैं आपको कि आखिर ये एट फिंगर्स विवाद क्या है। पैंगोंग झील के पास आठ पहाड़ियां हैं। 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं ये पहाड़ियां। हाथ की उंगलियों के आकार की ये पहाड़ी है। फिंगर फोर से लेकर फिंगर एट तक में विवाद है दोनों मुल्कों के बीच। फिंगर फोर तक भारतीय सेना का कब्जा है। फिंगर फोर से फिंगर एट तक दोनों सेना करते रहते हैं गश्त। चीन ने फिंगर फोर तक अपनी सड़क बना ली है। फिंगर फोर से फिंगर एट तक चीन ने स्थायी बंकर्स भी बना लिए हैं। फिंगर फोर से फिंगर एट तक चीन निगरानी चौकियां भी बना चुका है, जिसको लेकर भारत सख्त आपत्ति जता चुका है और भारत ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। अपनी अगली रिपोर्ट में हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि चीन कितना बड़ा धोखेबाज है, चीन कितना झूठ बोलता है। क्योंकि जिस गलवान घाटी पर चीन अपना हक जता रहा है, जिसकी इंच दर इंच जमीन अपने कब्जे में करने की वो कोशिश कर रहा है, आखिरकार वो कभी उसके पास था ही नहीं जिस पर वो दावा करता है। और इसको उसने ही बताया है, यानी कि चीन ने आपसे कुछ समय पहले जो नक्शा दिया था अपनी सीमा क्षेत्र का, उसमें गलवान घाटी को उसने भारत का हिस्सा बताया था। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो चीन पहले गलवान को भारत का हिस्सा बता रहा है, अब वो कैसे उस पर दावा ठोक रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय सैनिकों पर 15 जून को घात लगाकर किए गए हमले के बाद चीन के खिलाफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिससे चीनी सरकार के माथे पर शिकन साफ तौर पर नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोशिश एलएसी के पास गलवान और श्योक नदियों के संगम वाले पूरे क्षेत्र पर कब्जे की थी, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ पुराने चीनी नक्शों में असलियत का पता चलता है कि चीन मामलों के एक्सपर्ट एम टेलर फ्रॉवेल ने पुराने चीनी नक्शा ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि 1962 के युद्ध के चीनी इतिहास से जुड़ा यह नक्शा भी दिखाता है कि चीन का गलवान घाटी पर दावा गलवान और श्योक के मिलने से कुछ पहले ही खत्म हो जाता है। बहरहाल चीन अपने कब्जे वाली चाल से बाज नहीं आने वाला, इसलिए चीन के पीछे हटने वाले फैसले के बाद भी भारतीय सेना आक्रामक नजर आ रही है और सरहदी इलाकों पर निगरानी के साथ साथ जवानों को तैनात कर रही है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जिससे पूरा विश्व इस वक्त प्रभावित है, और ये दावा किया गया, कई मुल्कों ने यह आरोप भी लगाया कि इस कोरोना वायरस का जन्मदाता चीन ही है। अमेरिका ने खुले तौर पर चीन का नाम भी लिया और इसे चीनी वायरस के नाम से भी करार दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अगर वाकई चीन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ तथ्य कुछ इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके से मिले हैं कि चाइना से जो कंटेनर इंडिया आ रहे हैं सामानों के, उन कंटेनर्स में चाइना वायरस भी भेज सकता है, जिसको लेकर भारत की सरकार खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और जो कंटेनर्स चाइना से आ रहे हैं उनको क्लियरेंस
अभी नहीं मिल रहा, जो दवा के कंटेनर हैं उनको पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही क्लियरेंस दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक चाल हो सकती है अगर ये साबित हो जाती है तो फिर चाइना की, कि कोरोना वायरस से वो भारत में अटैक करना चाहता है। मक्कार चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। खुफिया इनपुट के मुताबिक चीन से आने वाले सामानों के कंटेनर में वायरस आ सकता है, जिसको लेकर चीन से इंपोर्ट करके मंगाए गए तमाम सामानों को कस्टम क्लियर नहीं कर रहा है। इनपुट के मुताबिक चीन से आने वाले सामान में किसी तरह का वायरस आ सकता है। इस डर की वजह से फिलहाल तमाम चीनी कंटेनर को उस वक्त तक क्लियरेंस नहीं देने के लिए कहा गया है जब तक कि उसकी गहन जांच न कर ली जाए। कोरोना काल के दौरान मिले इस इनपुट ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद कर दिया है, जिसके मुताबिक चीन अपने सामानों के साथ वायरस भी भेज सकता है। वहीं इंपोर्टर का कहना है कि हेल्थ रिलेटेड आइटम्स को गहनता से जांच के बाद ही क्लियर किया जा रहा है, लेकिन अन्य कोई सामान क्लियर नहीं किया जा रहा। ऐसे इंपोर्टर्स के मुताबिक उनका काफी पैसा फंसा हुआ है, ऐसे में जब तक चीनी सामानों को क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक नए ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, जिससे आने वाले समय में और परेशानी बढ़ सकती है। एक तरफ चीन सकारात्मक बातचीत करता है तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ नई नई साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में चीन पर विश्वास करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। विश्व के बड़े देश इस बात को अच्छी तरीके से मानते हैं कि हिंदुस्तान और चीन के बीच जो ये विवाद है इसका जल्द से जल्द खत्म होना बहुत जरूरी है दोनों ही देशों के लिए, खासतौर पर चीन के लिए, क्योंकि चीन और भारत में जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी हैं और भारत सबसे ज़्यादा चीन के प्रोडक्ट्स को आयात करता है। भारत की मार्केट्स में चीन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको बायकॉट चाइना भी करने की एक मुहिम सी चलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिस पर चाइना बैरियर लगाता है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत सारे ऐसे कम प्रोडक्ट्स हैं जिन पर बैरियर लगा पाता है, उसकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार भी अब ये कोशिश में है कि आखिर इस कठिनाई के दौर से कैसे निकला जाए और चीन का प्रोडक्ट भारत में कम से कम आ पाए, और दूसरे ऐसे मुल्क जहां पर खासतौर पर जैसे ताइवान और वियतनाम है जहां पर प्रोडक्ट्स उसी दर पर मिलते हैं जिस दर पर चाइना में मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सस्ता किया जाए ताकि वो भारत के मार्केट में आ पाए। ये एक रणनीतिक है जो कूटनीतिक तौर पर भारत की सरकार जिस पर काम कर रही है ताकि भारत को चीन का एक विकल्प भी मिल पाए जिसको लेकर आगे रणनीति तैयार की जा सके। देखिए रिपोर्ट। चीन कितना भी विवाद खत्म करने की बात कहे लेकिन चीन अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए नई नई साजिशें रचने की फिराक में रहता है। चीन ने भारत के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर भी युद्ध छेड़ रखा है। चीन 2,848 वस्तुओं पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, इसके चलते ये वस्तुएं चीन नहीं भेजी जा सकती, जबकि भारत में 433 वस्तुओं के आयात पर ही बैरियर है। जानकारों के मुताबिक विश्व व्यापार संगठन के नियमों की वजह से कोई भी देश तय दर से अधिक टैरिफ नहीं लगा सकता। आयात कम करने के लिए ज्यादातर देश दो नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं। दो नॉन टैरिफ बैरियर को टीबीटी और एसपीएस के नाम से जाना जाता है। आइए हम बताते हैं कि एशिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। एशिया में चीन 1,516 प्रोडक्ट्स पर टीबीटी लगाता है जबकि 1,332 प्रोडक्ट पर एसपीएस लगाता है, जबकि दक्षिण कोरिया 1,036 प्रोडक्ट्स पर टीबीटी लगाता है और 777 प्रोडक्ट्स पर एसपीएस लगाता है। जापान 917 सामान पर टीबीटी लगाता है जबकि 754 प्रोडक्ट्स पर एसपीएस लगाता है। थाईलैंड 809 प्रोडक्ट्स पर टीबीटी लगाता है जबकि 360 प्रोडक्ट्स पर एसपीएस लगाता है। भारत 172 प्रोडक्ट्स पर टीबीटी लगाता है जबकि सिर्फ 261 प्रोडक्ट्स पर एसपीएस लगाता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो चीन 2,848 प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, दक्षिण कोरिया 1,813 प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, जापान 1,671 प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, थाईलैंड 1,169 प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है और भारत सिर्फ 433 प्रोडक्ट्स पर ही नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है।
भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से स्टील के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इसका मकसद इन देशों से हो रहे सस्ते आयात से घरेलू निर्माताओं को बचाना है। तीनों देशों से आने वाले स्टील के फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम और जिंक की कोटिंग वाले रोल पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसकी रेंज $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन तक है। वहीं एक जांच में पाया गया था कि तीनों देश इन उत्पादों को बेहद कम दाम में भारत भेज रहे हैं। इस तरह होने वाली डंपिंग से घरेलू निर्माताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक व्यापार के नियमों के अनुसार घरेलू निर्माताओं को बराबरी का मौका उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी देश ऐसे उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। बहरहाल चीन पर नकेल कसने की तैयारी भारत कर रहा है, जिससे चीन को आर्थिक तौर पर भी मात दी जा सके। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो स्पेशल सेवन में आज हमने आपको कई अहम खबरों से रूबरू कराया। कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स थी जिन पे आपने जरूर सोचा होगा कि भारत की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और चीन किस तरीके से काम कर रहा है, और खासतौर पर नेपाल किस भ्रम में इस वक्त जी रहा है कि कौन उसका सच्चा दोस्त है। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल कुछ और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के साथ स्पेशल सेवन में आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।